हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक ऐसे इंजीनियरिंग के बारे में बताने वाला हूं जिसके लिए बच्चों में अक्सर क्रेज रहता है, लेकिन उनके अच्छे कॉलेजेस के बारे में बहुत कम बच्चों को पता होता है। मैं ये कह सकता हूं दावे के साथ, इस इंजीनियरिंग के बारे में कम से कम पता होता है। दूसरे, इसके जो पार्ट्स होते हैं उनमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भैया कौन सी इंजीनियरिंग लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, किससे हमें क्या काम करना पड़ेगा लाइफ में, इससे रिलेटेड ये पता नहीं होता। और एक तो बेस्ट इंस्टीट्यूट बच्चों को इनके नहीं पता होते। आज मैं आपको टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स के बारे में बताऊंगा जो कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं। ठीक है, चलिए बातचीत करते हैं। एरोस्पेस इंजीनियरिंग इज कंसर्न्ड विद डेवलपमेंट ऑफ एयरक्राफ्ट एंड स्पेस क्राफ्ट। अगर आपको अर्थ के एटमॉस्फेयर में घूमना है तब आप एयरक्राफ्ट यूज करते हैं, अदरवाइज अब उससे बाहर जाना पड़े तो आप स्पेस क्राफ्ट यूज करते हैं। ठीक है, अरे भैया इसरो का नाम तो सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो निश्चित रूप से आपका जीके बचपन में कमजोर रहा होगा, नहीं तो इतने प्रतिष्ठित संस्थान जो हमारा गर्व है, हमारा सम्मान है ना, हमारे कुछ कुछ इमोशंस उससे जुड़ जाते हैं। उसका रीजन है क्योंकि शुरुआत जहां से इसरो की हुई थी तब का टाइम ऐसा था कि हम बैलगाड़ियों पर रख करके कुछ स्पेस क्राफ्ट वगैरह लेकर के जाते थे, कुछ मशीन्स वगैरह लेकर के जाते थे, क्योंकि उतनी सुविधाएं नहीं थी। यहां से शुरू करके आज ऐसी जगह पर पहुंच चुका है इसरो जो भैया ऐसे समझ लीजिए कि दुनिया के टॉप 3 स्पेस ऑर्गेनाइजेशन में आता है। इवन कभी कभी नासा के जस्ट बाद इसका नंबर आता है। समझ रहे हो ना बात को? बहुत ही शानदार बात है। कभी ऐसा हुआ करता था कि हमें लॉन्च कराने के जो व्हीकल्स होते हैं ना वो नहीं मिला करते थे, क्योंकि हमने डिमांड करा था फ्रांस से, यूएसए से, नहीं मिला करते थे तब। और आज हम इतना आगे बढ़ चुके हैं कि हम पूरे दुनिया के सैटेलाइट्स को इसरो के थ्रू लॉन्च करते हैं। आज इसरो एक पब्लिक काम ही नहीं करता सिर्फ, वो प्राइवेट काम भी करना शुरू कर चुका है। 104 सैटेलाइट वाला शायद आपने न्यूज तो सुना ही होगा, है ना, कि 104 सैटेलाइट्स को हमने अपने लॉन्च व्हीकल से उनके ऑर्बिट्स तक सैटेलाइट्स को पहुंचाया था। बहुत ही गर्व की बात है, बहुत ही शानदार बात है, बहुत ही जानदार बात है। और यहाँ काम करने वाले बच्चों के लिए, यहाँ काम करने वाले कुछ बड़े लोगों के लिए भी गर्व की बात यह है कि भैया जी वहाँ काम करते हैं तो सम्मान मिलता है, बहुत ज़्यादा ही सम्मान मिलता है। यहाँ पैसा कम महत्व रखता है, मैं पहले क्लियर करता हूँ, यहाँ पैसा बहुत कम महत्व रखता है, है ना, रखना भी कम चाहिए। भाई ऐसा नहीं है कि सुविधाएं नहीं मिलती, अरे सुविधाएं मिलती हैं, आपको सैलरी ठीक ठाक मिलेगी, आपको रहने खाने की सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन जैसा हम सुनते रहते हैं कि अरे IIT का पैकेज होना जरूरी है, वो चीज़ नहीं मिलेगी, लेकिन सम्मान कोई IIT वाला बीट नहीं कर पाएगा। ये मैं पूरे दावे के साथ इस चीज़ कह सकता हूँ। मेरे एक चाचा जी के सुपुत्र हैं, वो इस समय इसरो में काम करते हैं, वो जब गाँव आते हैं तो सब भीड़ लग जाती है उनसे बातचीत करने के लिए, कैसे होता है, क्या हुआ था। ठीक है, बहुत ही शानदार काम है, मैं तो बहुत ही अप्रिसिएट करूंगा अगर यहां कोई मेरा स्टूडेंट जाता है तो। ठीक है जी, आइए बाकी बातचीत करते हैं। दो मेजर इसके ब्रांचेस हैं, एक है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एक है एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग। एरोनॉटिकल शब्द सुनकर के कहीं ना कहीं एयर की फीलिंग आ रही होगी आपको ना, एयर, है ना। तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के तहत आप पढ़ते हैं कि भैया अर्थ के जो एटमॉस्फेयर में फ्लाइट किस तरीके से फ्लाई करेगी, उसकी इंजीनियरिंग पर आप स्टडी करते हैं। लेकिन एस्ट्रोनॉटिकल से समझ में आ रहा है कि आप स्पेस क्राफ्ट के मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होंगे, है ना, उनके इंजीनियरिंग में आप इन्वॉल्व होंगे। क्लियर है, देख लेते हैं भैया जी। तो जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है फोकसेस ऑन द थियोरी, टेक्नोलॉजी एंड प्रैक्टिस ऑफ फ्लाइट विद इन द अर्थ एटमोसफियर, बट एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग फोकसेस ऑन द साइंस टेक्नोलॉजी ऑफ स्पेस क्राफ्ट एंड लॉन्च व्हीकल्स। मैं इसी के बारे में बात कर रहा था कि जिसके लिए हमने फ्रांस से, यूएसए से डिमांड करा था तो उस समय हमें नहीं मिला था, क्योंकि हमें भी तो अपने सैटेलाइट्स भैया लॉन्च करने हैं ना इंडिया को। अब तो चलो हम पूरी दुनिया का करने लग गए हैं, पूरी दुनिया का। उसका रीज़न बताता हूँ, एक मूवी आई थी ग्रेविटी, उसका जितना बजट था ना उससे कम बजट में हम मून तक जा चुके हैं, अपना चंद्रयान जो है उससे कम बजट में गया हुआ है। मतलब समझ रहे हो ना कितने सस्ते में कितना अच्छा काम हो जाता है। तो इसलिए पूरी दुनिया हमसे ये काम करवाना चाहेगी इन फ्यूचर भी, आज तो करवा ही रही है, इन फ्यूचर भी करवाती रहेगी। उसका रीजन है कि हम इकोनॉमिकल है उनके लिए, हम सस्ते में बहुत अच्छा काम उनके लिए कर देते हैं, तो इससे एक बाजार क्रिएट होता है, एक बिजनेस क्रिएट होता है, और पैसा आएगा तो नो डाउट इसरो और ज़्यादा अपने आप को इन्हेंस कर पाएगा टेक्नोलॉजी में।
ठीक है, आज ऐसे एक इंस्टीट्यूट के बारे में बताऊंगा जहां आप पढ़ते हैं तो इसरो आता है प्लेसमेंट के लिए और ठीक ठाक नंबर में लेकर के जाता है। हर बार 70-75% बच्चे जो है इसरो चले जाते हैं वहां से। इंस्टीट्यूट का नाम आप गेस कर गए होंगे, आगे उसका चर्चा होगी। ठीक है, अब एक चीज आती है, दैट इज एवियोनिक्स इंजीनियरिंग। नाम में देखिए क्या है, एविएशन, एविएशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, एविएशन इलेक्ट्रॉनिक्स को मिला दिया गया तो बना है एवियोनिक्स। ठीक है जी, तो एवियोनिक्स इंजीनियरिंग इज सिमिलर बट डील्स विद द इलेक्ट्रॉनिक साइड ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग। ठीक है, जैसे आप अपन ईसी बोलते हैं ना, तो उसी तरीके से एविएशन का ईसी कौन है भैया, ये है एवियोनिक्स। शायद आपको समझ में बात आ गई हो। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना जी। तो ये तीनों के क्लियर एक्सप्लेनेशन समझ में आए। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है और मैंने ये कमेंट्स देखे हैं, है ना, इवन मेरे ही घर में है शख्स जो कि पूछ रहे थे भाई, है ना, कि ये इनमें अंतर नहीं समझ में आ रहा था। उसने कहीं पढ़ा था कि किसी के बारे में वो पढ़ रहा था, तो उसने बताया कि ये क्या थे, ये एस्ट्रोनॉमिकल इंजीनियर थे। तो उसने पूछा भैया इसका क्या मतलब होता है, तो मैंने, मुझे लगा कि जब इनके मन में कन्फ्यूजन है, वो भी 11th में है। ठीक है, तो ऐसे बच्चे, ऐसा नहीं है कि जो 12th पास कर गए हैं या जो ड्रॉपर हैं, जो एडमिशन लेने जा रहे हैं, सिर्फ उनके लिए ये ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत एक्चुअली सबको, सबको पता होना चाहिए इन इंजीनियरिंग के बारे में। ठीक है, आइए देखते हैं प्लेसमेंट एंड जॉब्स। यहाँ पर पैसे के बारे में तो मैं बात ही नहीं करूँगा, पता ही है ना, मैं केवल ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये 10 इंस्टीट्यूट समझ लीजिए हैं जहाँ पर आप जाकर के काम कर सकते हैं। इसरो सैटेलाइट सेंटर बेंगलोर, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर त्रिवेंद्रम, ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं, आप इनको पढ़ करके एक बार देख सकते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ता हूं मैं। अगला पॉइंट क्या भैया, टॉप 10 एरोस्पेस इंजीनियरिंग कॉलेज जिसका आप वेट कर रहे थे, वो अब हाजिर हो रहा है आपके सामने। चलिए देखते हैं, ये देखिएगा कॉलेज, उसके ना ये रैंकिंग, एडमिशन कैसे होता है और काउंसलिंग का क्या प्रोसेस है, उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। एक बार इनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। देखते हैं पहला क्या है, सबसे शानदार, अगर आपको इसरो जाना है तो यही एंट्री गेट है। और मैं आपको बताऊं इसके बारे में, मैं एक फुल वीडियो बना रहा हूं, उसका रिसर्च अभी जारी है, जल्द ही आपको इसके रिलेटेड एक फुल वीडियो मिलने वाली है, IIST से रिलेटेड। और बहुत सारे बच्चों ने इसके बारे में कमेंट किया था, अच्छी बात है कि आप कमेंट करते हैं, तो मुझे भी अंदाज़ा लगता है कि भैया किस कॉलेज के बारे में आपको जानना है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप कमेंट जरूर करिएगा जिस कॉलेज के बारे में आपको जानना है, क्योंकि देखो अगर मान लो कि 10,000 बच्चे देखते हैं हमारे वीडियो को, तो उसमें से 4-5 बच्चों को कुछ चीज़ें पता होंगी, जब वो बताएंगे तो बाकी बच्चों को भी उन्हीं के साथ पता चलता जाएगा। और ये ऐसा नहीं कि ये वीडियो आप तक रेस्ट्रिक्टेड है, बाकी जो भी 9th में, 10th में, 11th में, इन सबको पता चलना ज़रूरी है ना जी, कि बेस्ट क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं IIST तिरुवनंतपुरम की अगर मैं बात करूं, है ना, तो ये भैया NIRF रैंकिंग रखता है 43, एडमिशन होता है JEE एडवांस के थ्रू, और इसकी काउंसलिंग ध्यान रखिएगा जोसा काउंसलिंग नहीं होगी। इसके लिए यहां पर क्या होता है कि IIST अपना ही एक क्या करता है, JEE एडवांस के थ्रू एक लिस्ट निकालता है, उसी लिस्ट के आधार पर आपको चेक करना है कि आपका उस लिस्ट में नाम आया है नहीं आया। फिर दूसरा चीज़ ये है कि आपको काउंसलिंग जो है IIST ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल से ही करना है, जो सा काउंसलिंग यहाँ नहीं होती, क्लियरली जान लीजिए। ठीक है, और बहुत ही शानदार कॉलेज है इसरो, यहाँ कैंपस प्लेसमेंट के लिए आता है, इकलौता ऐसा इंस्टीट्यूट जहाँ के करीब 75% बच्चे जो है इसरो जाते ही हैं। समझ बात आ गई, आगे देखते हैं अगली चीज़ क्या है, IIT बॉम्बे, ये तो यार बच्चों का इमोशन है ना। IIT बॉम्बे की बात करें तो NIRF रैंकिंग इसको 3rd मिलती है, JEE एडवांस के थ्रू एडमिशन होता है, नो डाउट जोसा काउंसलिंग के ही थ्रू आपका यहाँ पे एडमिशन होने वाला है। बातचीत करें IIT कानपुर की, तो IIT कानपुर 4th नंबर पे आता है। आपको बताऊँ IIT कानपुर, IIT बॉम्बे, इनका एरोस्पेस इंजीनियरिंग बहुत ही टॉप नॉच, बहुत ही शानदार है। ठीक है, एक IIT कानपुर से रिलेटेड किस्सा है, वो अगली वीडियो में कभी सुनाऊंगा। ठीक है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग से ही रिलेटेड है। ठीक है, अगला देखते हैं, यहाँ पे देख लीजिए JEE एडवांस जोसा काउंसलिंग होगी, इसके बाद IIT मद्रास, है ना, 1 पे आता है NIRF रैंकिंग, एडमिशन JEE एडवांस के थ्रू होगा। अगली बातचीत है IIT खड़गपुर की। ठीक है, IIT खड़गपुर का 5th NIRF रैंकिंग आती है, JEE एडवांस के थ्रू आपका यहाँ पे एडमिशन होता है, ये तो बात पता ही आपको, जोसा काउंसलिंग होती है। ठीक है, जो नहीं पता था वो क्या था, IIST तिरुवनंतपुरम, तो इसके बारे में जानते हैं अगली वीडियो में बहुत शानदार तरीके से, है ना, फुल वीडियो इसके ऊपर लेकर के आऊँगा। हाँ, ये देख लीजिए एक चीज़, IIEST शिवपुर। ठीक है, तो IIEST जो है ये बंगाल में है,
इसकी NIRF रैंकिंग जो आती है वो 21 आती है। तो NIRF रैंकिंग भी आप समझ में आ रही होगी कि भैया बहुत ही शानदार है ना। यहाँ पर 43 भले ही इसकी आती है, बट इसके चक्कर में मत पड़ना, है ना, बहुत ही शानदार है, इसलिए नंबर वन पे उसको मैंने जानबूझ करके रखा हुआ है। आपके मन में सवाल होगा कि यहाँ IIEST में कैसे एडमिशन होगा, तो JEE मेंस के थ्रू एडमिशन होगा, जोसा काउंसलिंग यहाँ पर भी होती है, यहाँ JEE मेंस के थ्रू एडमिशन होता है जी। ठीक है, अगली चीज़ देख लेते हैं। अब जो बताने वाला हूँ वो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, ठीक है, जो सरकारी कॉलेजेस बेहतरीन थे वो यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत कर दिए गए हैं। ठीक है, ये प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, है ना, यहाँ से कितना बेहतरीन हो पाएगा वो भी चर्चा का विषय है, लेकिन देख लेते हैं। एडमिशन अगर आप लेंगे तो कॉमेड के या KCET के थ्रू यहाँ पर जा सकते हैं। जो कर्नाटका के बच्चे हैं उनके लिए तो यहाँ पर फीस कम होगी, लेकिन कॉमेड के जो देंगे, कॉमेड के एक ऐसा एग्ज़ाम है जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के लिए होता है, कर्नाटका के जितने भी बेस्ट हैं, जैसे अक्सर जो बेस्ट कॉलेजेस हैं कॉमेड के या KCET के, वो आपको बेंगलोर में ही मिलेंगे। ठीक है, तो क्या बता रहा था मैं आपको कि भैया जो हमारा कर्नाटका CET है ना, KCET है, इसके थ्रू जो कर्नाटक के बच्चे हैं वो अगर एडमिशन लेते हैं तो आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा, थोड़ा क्या, बहुत सस्ता पड़ जाएगा। लेकिन कॉमेड के थ्रू भैया ये प्राइवेट है तो निश्चित रूप से महंगा पड़ेगा। और यहाँ बाकी में देखें, ये और ये, पहला और ये वाला, ये दोनों सस्ते कॉलेजेस हैं, सस्ते इन द सेंस क्वालिटी वाइज अच्छे ना लायकों, ये पैसे में कह रहा हूँ, मतलब कम पैसे में आपका एडमिशन हो जाएगा, मतलब एक शानदार कॉलेज है, है ना। अब IITs की फीस तो भैया फिक्स है ना, वो 2 लाख रुपए साल का लेते हैं, वो लेंगे। अगला देखते हैं, BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की बात करूँ तो इसकी NIRF रैंकिंग ये आती है और यहाँ पर एडमिशन इस तरीके से होता है और काउंसलिंग भी इन्हीं के थ्रू होती है, तो उसको मैंने मेंशन नहीं किया यहाँ पर। ठीक है, अगला क्या है, MS रमैया इंस्टीट्यूट, है ना, तो यहाँ पे 67 इसकी NIRF रैंकिंग है, कॉमेड के KCET के थ्रू यहाँ पर आपका एडमिशन हो जाएगा। एक चीज़ है, VIT में एक आता है, VIT भोपाल, है ना, जो VIT वैल्योर है वहाँ पर एरोस्पेस इंजीनियरिंग नहीं है, VIT भोपाल में एरोस्पेस इंजीनियरिंग है। ठीक है, इसके NIRF रैंकिंग ऐसे खास मेंशन नहीं है, और हर जगह पर VIT भोपाल ने वही VIT वैल्योर वाला जो NIRF रैंकिंग है, क्योंकि वो बहुत बेस्ट दिखा दिया गया है, तो वही चिपका के रखा हुआ है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। यहाँ पे जाने के लिए, VIT में जाने के लिए निश्चित रूप से आपको VIT EEE देना पड़ता है, इतनी बात तो आपको शायद अंदाज़ा भी होगा, है ना। चलिए, आपको समझ में आ गया कि भैया ये टॉप 10 कॉलेज हैं, जिसमें से अगर शुरू के ये आपको 6 मिल गए तो भैया जी ज़िंदगी ठीक ठाक है, शानदार है, है ना। लेकिन यहाँ जाने के लिए भैया बहुत रगड़ मारनी पड़ेगी, मेहनत लगेगी, ऐसे नहीं जाने वाले हैं। दुनिया में कोई भी बेस्ट चीज़ जिस किसी को मिलती है वो सिर्फ रगड़ने के बाद मिलती है, ठीक है, मेहनत के बाद मिलती है। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए, बाय बाय, टेक केयर।